नगर अपर विकास कार्यों में बाधा डालने, नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। भागलपुर नगर निगम के 51 पार्षदों में से 36 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए सशक्त स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड में लिए गए फैसले को धरातल पर नहीं लाया जा रहा और जब पार्षद विकास कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए नगर आयुक्त के पास जाते हैं तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। पार्षदों ने पार्षद एकता मंच के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आक्रोशित होकर कहा कि अगर जल्द से जल्द चुने हुए जनप्रतिनिधि के बात नगर आयुक्त नहीं मानते हैं तो अब सदन से सड़क तक आवाज बुलंद किया जाएगा। कि नगर निगम में लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए हुए निर्णयों का की अवहेलना की जा रही है और जनहित में जितने भी प्रस्ताव सामान्य बोर्ड में और स्थायी समिति में लिए जा रहे हैं उस निर्णय का अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कि नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 से 51 तक में कई विकास कार्य बाधित हैं और जिस अपेक्षा के साथ जनता ने इस बार के बोर्ड को चुना है, जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर इस पद को जनता ने अपने वोट से डायरेक्ट चुना है पहली बार, लेकिन जो हम लोग समझ रहे थे कि जो ताकत होगी इस बोर्ड की, एक अधिकारी हमारे ताकत को, जो हमारे नगर पालिका अधिनियम ने हमें जो ताकत दी है, जो हमारे बोर्ड को जो ताकत दी है, उसको वो घटाने का काम कर रहे हैं और उस पर कुठाराघात करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ सब चीज कायदे से चलता है, नियमों से चलता है, तो हम सब लोग नियमों को मानने वाले हैं और जनता को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनके सम्मान के लिए और जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे और उनके लिए यदि संघर्ष भी करना पड़ा तो हम लोग सड़कों तक भी उतरने का काम करेंगे। उस हेतु सबसे पहला ध्यान में आकर्षित कराना चाहूंगी आप लोगों को कि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं सामान्य बोर्ड में और स्थायी समिति में, उसमें से लगभग 90% में कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उतने मामलों पर कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं कराई जा रही है। आपने देखा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया के हमारे साथी लगातार अपने माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारा भागलपुर शहर कितना गंदा है, यहाँ तक कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हम लोग बहुत पीछे आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ पर जो दो एजेंसियों को चयनित किया गया है वार्डों में काम करने के लिए, वो लोग तय मानक पर कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो दो बातें उनके संदर्भ में कुछ बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात, उन्हें डोर टू डोर कूड़ा का उठाव करना था, वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि उन्हें डायरेक्ट इसका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना था और सीधे लोगों के घरों से कूड़ा उठाकर निस्तारण करके जो डंपिंग जो प्लेस है और उसके माध्यम से वहां डंपिंग ग्राउंड में डालना था, वो नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब 107 लेबर जो सभी जगह सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी वार्डों में लेबर दे दिए गए एजेंसियों को, उसके बाद जो 107 लेबर के माध्यम से जो नगर आयुक्त ने कहा था इन 107 जो सफाई कर्मी हैं उनसे जो एजेंसी जिस भी वार्ड में जो नहीं आएंगे लेबर या फिर वहां पर नाला उड़ाई की समस्या होगी, त्वरित कोई भी निष्पादन करना होगा किसी समस्या का, तो उसके लिए 107 लेबर से उन कार्य लिए जाएंगे। लेकिन आपको बताते बहुत दुख हो रहा है कि आज वो 107 लेबर सिर्फ कागजों पर ही सीमित है, धरातल पर उनसे क्या काम लिया जा रहा है, कहां काम लिया जा रहा है, यह बार बार हम लोग के द्वारा मांगने के बावजूद भी उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा, जिससे कि प्रतीत होता है कि इस मामले में प्रशासन के द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और जनता के लिए जो स्वच्छता का कार्य जो सर्वोपरि है नगर निगम का, उस काम में वो लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं। 3 बार अस्थायी समिति की बैठक हुई और 3 बार सामान बोर्ड की बैठक हुई। जितना एजेंडा पार्षदों ने दिया सामान बोर्ड में और अस्थायी समिति में, सिर्फ वही एजेंडा वो धरातल पर उतार दे, विकास दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन वह पूर्व में जो निर्णय लिया गया है वह भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। विकास की बात तो छोड़ दीजिए। पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को सूचित
करने का काम की थी। यह जो समान बोर्ड की बैठक होगी उसमें वीडियोग्राफी होगा और इस संदर्भ में महापौर महोदया ने पटना में जाके प्रधान सचिव को भी सारी बात बताई थी अपने माध्यम से कि बहुत ऐसा प्रोसीडिंग में लिखाया जाता है जो हम लोग निर्णय नहीं भी लेते हैं वह भी लिखा जाता है, इसलिए पारदर्शिता के रूप में वीडियोग्राफी होना चाहिए। फलस्वरूप समान बोर्ड की बैठक में जब वीडियोग्राफी करने की बात आई तो बार बार नगर निगम के सिटी मैनेजर के द्वारा वीडियोग्राफर को बाहर कर दिया जाता था। जब महापौर महोदया सदन के अंदर वीडियोग्राफी की मांग किया कि कहाँ है वीडियोग्राफर, तो फिर उसको लाया गया। अंत में सिटी मैनेजर ने सारे भागलपुर के प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया को भी सदन से बाहर जाने को कहा। मेरा साफ कहना है कि नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य होता है, शहर की जनता हम लोगों को चुनाव में अपना मत देकर हम लोगों को जिताकर भेजा है। हम लोग भी चाहते हैं कि नगर निगम की कार्यशैली और हम लोग नगर निगम के सदन में अपने अपने वार्ड की समस्या को लेकर जो आवाज़ उठाते हैं, अपने वार्ड की जनता यह बात को जाने कि हम लोग दिन रात वार्ड के विकास की चिंता करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है और इसका कारण है मात्र नगर निगम के नगर आयुक्त का हिटलरशाही। और उनका क्या हिटलरशाही है, आज सलम बस्ती का जो योजना का मद का पैसा था वह सीमा शाह के समय का था। दीपक भुवानिया सीमा शाह के समय का पैसा, जब डॉक्टर वसुंधरा जी का समय आया तो हम लोग उस पैसे को बाहर निकालने का काम किया और उस पैसे का काम हो इसके लिए दबाव बनाए और आज तक सलम एरिया का काम, गंदी बस्ती योजना का राशि, शहर के किसी भी वार्ड में काम स्टार्ट नहीं हुआ। बताइए, सरकार का यहाँ का कोई दोष नहीं है, सरकार पैसा भेजती है विकास के लिए और यहाँ के नगर निगम के नगर आयुक्त विकास के बाधक हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कल भागलपुर नगर निगम का उप महापौर महोदय के द्वारा जो प्रेस वार्ता किया गया, यह प्रेस वार्ता बड़ा शर्मनाक था। उनको सबसे पहले समान बोर्ड की बैठक में, वो तो सदन में उपस्थित नहीं थे, वो बाहर थे, उनको आने के बाद सबसे पहले वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए, तब कुछ न कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। कौन चाहता है कि जाड़े में अपने अपने वार्ड में गरीब लोगों को कम्बल नहीं मिले। हम लोग कम्बल के लिए बहुत दिन पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आज तक कम्बल की खरीदगी नहीं हुई। जहाँ तक पार्षदों को पार्षद से तोड़ने की बात है, यह नगर आयुक्त का जो प्रयास है यह प्रयास असफल होगा और सभी पार्षद एकजुट होकर भागलपुर अपने अपने वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहेगा। यही हम लोगों का आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक कर लौट रहा था तो उस समय हमने देखा कि जो तिलका मांझी चौक से मनाली चौक जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर जो हमारे फुटकर भाई फुटकर व्यवसायी दुकानें लगाते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई अन्य अन्य सामग्रियां बेचता है, उनसे जो है चार व्यक्ति आ रहे थे, दो डंडाधारी उनके साथ थे और आने के बाद वो उनसे 30 रुपया 50 रुपया 40 रुपये का रसीद काट रहे थे। और वो रसीद किस लिए काट रहे, जब हमने देखा तो हमने अपनी गाड़ी को रोक कर उनसे बात की कि आप किस आधार पर इनसे पैसा ले रहे हैं, गरीब फुटकर दुकानदारों से आप पैसा क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो है ये एजेंसी हम ले लिए हैं टेंडर, तो हम लोगों को बताया बोला कि आप पैसा लेने के लिए, तो हम बोले आप चिट्ठी दिखाइए, तो वो चिट्ठी भी नहीं दिखा पाए। उसके बाद हमने नगर आयुक्त महोदय को फोन किया, नगर आयुक्त महोदय ने फोन रिसीव नहीं किया और आदित्य जायसवाल जी का हमारे पास फोन आया कि सर का मैसेज है, बात कीजिए। हमने उनसे विषय की जानकारी दी, हमने मेयर महोदया को भी इस विषय की जानकारी दी, सामान्य बोर्ड के सदस्यों को भी जानकारी दी। यह जो एजेंसी संडिस कंपाउंड में कार्य कर रही है उसको जो काम दिया गया है वो जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाली यदि कंपनी होगी तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी फुटकर व्यवसायिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी मेयर साहिबा से मिले, स्थायी समिति के सदस्यों से मिलेंगे, वो अपनी समस्या लेकर आएंगे। लेकिन ये ज्वलंत विषय है कि यदि जो फुटकर व्यवसायी है उनको कार्ड बनाकर इशू कर दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि जब आपको दुकान
वेंडिंग जोन में आवंटन करा दी जाएगी तब आपसे पैसा लिया जाएगा। तो उसके पहले वो पैसा जो लिया जा रहा है वो अवैध वसूली क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, ये सभी बात स्पष्ट करनी चाहिए। और नहीं तो वो जो कंपनी काम कर रही है और जो गलत कर रही है तो उस पर विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए।